दर्पण, दर्पण में क्या था, एक तरफ पॉलिश थी, लेंस में क्या है, पॉलिश नहीं है। तो पॉलिश जब नहीं है तो हम कह सकते हैं कि लेंस एक कांच का पारदर्शी टुकड़ा होता है। क्या होता है, कांच का पारदर्शी टुकड़ा, ठीक है। अब लेंस होता है दो प्रकार का, नंबर एक अवतल लेंस, नंबर दो उत्तल लेंस, ठीक है, दो प्रकार का हो गया। अब दोनों को जब चित्र बनाएंगे हम, अवतल का चित्र बना लेते हैं इस तरीके से, बन जाएगा ये, बन गया। उत्तल का चित्र बनाया तो इस तरीके से बन गया, अब दोनों चित्रों से मारा है, एक आकृति ये, एक आकृति ये, ठीक है, इसमें एक आकृति ये, एक आकृति ये, यानी ये दोनों के दोनों दो परतों से मिलकर बने, ये बात है इसमें। तो लेंस में इस बात को जोड़ेंगे, तो लेंस में हमने पहली बात बोली थी कि लेंस का, लेंस जो होता है पारदर्शी कांच का टुकड़ा होता है जो दो गोलीय परतों से मिलकर बनता है। समझ में कोई परिभाषा, लेंस क्या होता है, लेंस एक पारदर्शी कांच का टुकड़ा होता है जो दो गोलीय परतों से मिलकर बनता है। लेंस अकॉर्डिंग टू 10th क्लास के सिलेबस दो प्रकार का होता है, नंबर एक अवतल लेंस, नंबर दो उत्तल लेंस, ठीक है। अब अवतल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस का चित्र बनाएंगे उसी से परिभाषा क्लियर कर लेंगे। एक चित्र बना दूंगा उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का चित्र बना दिया, उत्तल लेंस का चित्र बना दिया। अब चित्र देखकर आपको एक बात समझ आ रही होगी, अवतल लेंस बीच में से पतला है, किनारों पर से कैसा है, मोटा। उत्तल लेंस बीच में से मोटा है, किनारों पर से कैसा है, पतला, यानी किनारों पर कैसा है, पतला, बीच में कैसा है, मोटा। इसे देख रहे हैं, मोटा, बीच में कैसा है, पतला, ठीक है। तो इन दोनों वर्डों से, शब्दों से हम परिभाषा बना देंगे। अवतल लेंस की परिभाषा क्या बन जाएगी, ऐसा लेंस, क्या बनी परिभाषा, एक ऐसा लेंस जो बीच में से पतला तथा किनारों पर मोटा होता है, ठीक हो गया। उत्तल लेंस एक ऐसा लेंस जो बीच में से मोटा तथा किनारों पर पतला होता है, उत्तल लेंस कहलाता है, क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं इनमें प्रयोग होने वाले कुछ बिंदु, क्या बिंदु, नंबर एक ऐसे वर्ड सुनने को मिलेगा आपको बार बार,
ये बीचो बीच एक सेंटर होता है इसमें, ये होता है प्रकाशीय केंद्र। अब प्रकाशीय केंद्र से या बिंदु, प्रकाशीय बिंदु या केंद्र कह सकते हैं आप इसे, केंद्र। अब इसे दोबारा बनाना पड़ेगा हमें नीचे थोड़ा सा। इसकी परिभाषा कैसे बनी, जैसे मैं चित्र बनाऊंगा ऐसी इसकी परिभाषा बना दूंगा, ठीक है। अब मैं इसमें से किरण गुजार रहा हूँ ऐसे। अब आपको इस ट्रेन को देखकर ये पता चल रहा होगा सर्जी युग किरण तो बिल्कुल सीधी जा रही है, सीधी जा रही है, तो ये किस बिंदु से होकर जा रही है, प्रकाशीय बिंदु। तो इसका मतलब एक किरण हो गया तो एक और उदाहरण करो। अब इन्हें सर्दी एक बार समझे, पहली किरण ये थी, दूसरी इसे मान लो, तीसरी ये, दूसरी समझ में आ गई फोकस से गई, तीसरी समझ में आ गई फोकस से गई, पहली समझ में जा रही सीधी जा रही, ये पहले सीधी चली फिर तिरछी होगी, ये सीधी चली तिरछी होगी, यू समझ में नहीं, यू तिरछी क्यों नहीं हुई, यही परिभाषा। परिभाषा किसकी है, प्रकाशीय केंद्र की। लेंस में उपस्थित वह बिंदु, लेंस में उपस्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली किरण, लेंस में उपस्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली किरण बिना विचलित हुए अपने मार्ग पर सीधी चली जाती है, उस बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। समझ बात आ गई, अब सुना है ये विचलित क्यों नहीं हुई थी, यानी लेंस में उपस्थित, इस लेंस में उपस्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली किरण बिना विचलित हुए सीधी चली जाए, उस बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, ठीक है। अब मैंने वर्ड क्या लिखा था एबीसीडी का, सी, तो इसका मतलब प्रकाशीय केंद्र को हम सी से दिखाते हैं, प्रकाशीय केंद्र किसे दिखाते हैं, सी से, ठीक है। अब आ गया हमारा दूसरा फोकस, चित्र दोबारा बनाते हैं। तो यहाँ पे बिंदु लिखा हुआ, तो ये बिंदु क्या हो गया, सी, सी यानी प्रकाशीय केंद्र। इसके लिए सॉरी, प्रकाशीय केंद्र। अब बात चल रही थी हमारी फोकस, अभी मैं इसके ऐसे रेखा गुजर डालता हूँ, किरण डालता हूँ इस पर, तो ये इस तरीके से जाएगी, एक किरण ऐसे गिरी, ये ऐसे जाएगी। अब इन दोनों किरणों को गौर से देखो, ये जो किरण है ये इसके समांतर इसके जैसी है, तो जब जैसी है तो परिभाषा बनेगी कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण लेंस से गुजरने के बाद जिस बिंदु से होकर जाएगी उससे हम फोकस कहते हैं, क्या कहते हैं उसे हम, फोकस कहते हैं। इससे हम किससे दिखा रहे हैं बार बार, एफ से। दोबारा सुनिए परिभाषा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण लेंस से गुजरने के बाद जिस बिंदु से होकर जाएगी उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, फोकस। अब एक लाइन और जुड़ेगी, लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस। अगर अवतल लेंस होता तो अवतल लेंस में फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है, क्यों, क्योंकि
के अवतल लेंस किरणों को फैला देता है, ठीक है। यानी उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण जिस बिंदु से होकर जाती है उसे फोकस कहते हैं। अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण लेंस से गुजरने के बाद जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को फोकस कहते हैं। क्लियर आ सकते हैं, ठीक है। अब ये एक रेखा थी, इसका नाम क्या है, फोकस। इसका नाम विकासी केंद्र, इसका नाम फिर फोकस, ये फोकस, ये प्रथम फोकस, तो ये द्वितीय फोकस, ये प्रथम फोकस, तो ये द्वितीय फोकस। अब ये जो लाइन है इस बोर्ड से हम देख रहे हैं कि इन बिंदुओं से सभी से होकर जा रही है, जा रही है ना। तो ऐसी परिभाषा बन जाएगी इसकी, क्या बनेगी, एक ऐसी रेखा जो लेंस में प्रकाशीय केंद्र तथा फोकस से होकर जाती है उस रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। दोबारा सुनो परिभाषा, एक ऐसी रेखा जो प्रकाश जो लेंस से लेंस में एक ऐसी रेखा जो लेंस में प्रकाशीय केंद्र तथा फोकस से होकर जाती है उस रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्लियर होगा मुख्य अक्ष, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब पढ़ लेते हैं हम प्रतिबिंब खींचने के नियम। किसमें टॉपिक क्या था, लेंस में, तो प्रतिबिंब खींचने के किसमें, लेंस में, यानी लेंस में प्रतिबिंब खींचने के नियम क्या होते हैं, तीन नियम होते हैं। अब तीनों क्या होते हैं, लेंस बनाता हूं, से भटकी है ना, भटकी ना, भटकी तो पहले नियम यही बन जाएगा कि प्रकाशीय केंद्र से लेंस में, क्या बोलूं दोबारा से बोलते हैं, सोचिए बार, लेंस में प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा अपने मार्ग से नहीं भटकती, अपने मार्ग पर सीधी चली जाती है। समझा, पहला नियम क्या है कि प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधी चली जाती है, ठीक हो गया पहला नियम। दूसरा, अब दूसरा नियम देखो, रेखा खींच रहा हूं मैं, ये रेखा मैंने मुख्य अक्ष के समांतर खींची है, लेंस में आ गई, अब लेंस से गुजरने के बाद ये कहां से जा रही है, फोकस से। तो दूसरा नियम यही है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण लेंस से गुजरने के बाद जिस बिंदु से होकर जाएगी उस बिंदु को फोकस कहते हैं, ये परिभाषा में पढ़ी थी। अब उसी परिभाषा में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण लेंस से गुजरने के बाद फोकस से होकर जाएगी या फोकस से होकर आ
आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, पहला वाला नियम थोड़ा बदला हमने। पहला नियम क्या था कि प्रकाश के केंद्र से होकर जाने वाली किरण बिना विद्युत के सीधी चली जाएगी। दूसरा नियम, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण लेंस से गुजरने के बाद फोकस से होकर जाएगी या फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। दो नियम हो गए। तीसरा, अब फोकस से गुजार देते हैं, लेंस से गुजरी सीधी चलेगी। अब तीसरा नियम क्या कि सर जी तुमने क्या करा, पहले फोकस से गुजार दी किरण, फिर लेंस में एंट्री करी, लेंस से निकली सीधी चली गई। यही तीसरा नियम है। क्या फोकस से होकर लेंस में फोकस से होकर आने वाली किरण लेंस से गुजरने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी या मुख्य अक्ष, जैसे पहला वाला नियम पढ़ा था हमने, दोबारा पढ़ लेते हैं कि फोकस से होकर आने वाली किरण लेंस से गुजरने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। क्लियर? तो पहला नियम हमारा कि प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली किरण बिना विद्युत के सीधी चली जाएगी। दूसरा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण लेंस से गुजरने के बाद फोकस से होकर चली जाएगी या फोकस से होकर आती प्रतीत होती है। तीसरा, कि फोकस से होकर जाने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी, ठीक है, या आती प्रतीत होती है। क्लियर हो गया? तीनों नियम हो गए। अब पढ़ लेते हैं थोड़ी सी चिन्ह परिपाटी। तो लेंस में चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी क्या होता है, किसमें लेंस चल रहा है सारा सेटअप। आपसे पहले क्या पढ़ा था हमने, दर्पण। मैं एक बना देता हूँ, ये एक्स अक्ष, ये वाई, ये एक्स डैश, ये वाई डैश अक्ष। ये चतुर्थांश होता है, मैं चतुर्थांश का अंश पढ़ा होगा ना, तो इसमें अगर इस बिंदु को मैं सी मान लू, सी फोर मतलब प्रकाशीय केंद्र से ऊपर की दूरियां धनात्मक, पहला नियम। इस प्रकाशीय केंद्र से नीचे की दूरियां ऋणात्मक, ठीक है। इस प्रकाशीय केंद्र से दाएं सीधे हाथ की ओर दाएं ओर की दूरियां धनात्मक, इस प्रकाशीय केंद्र से उल्टे हाथ की दूरियां ऋणात्मक, ठीक है। सारी की सारी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से नापी जाएगी, यही सारे नियम है, पहला नियम। अब ये जो रेखा है मुख्य अक्ष तो होता है, क्या होती है रेखा, अगर हमें प्रकाशीय केंद्र मान ले तो ये होगी मुख्य अक्ष। तो पहला नियम बोलेंगे हम, मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरियां धनात्मक होती हैं। मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरियां कैसी होती हैं, मुख्य अक्ष से नीचे की दूरियां कैसी होती हैं, ऋणात्मक। मुख्य अक्ष से नीचे की दूरी कैसी होती हैं, ऋणात्मक। प्रकाशीय केंद्र से दाएं ओर की दूरियां कैसी होती हैं, धनात्मक। प्रकाशीय केंद्र से उल्टे हाथ की दाएं सॉरी बाएं हाथ की ओर की दूरियां कैसी होती हैं, ऋणात्मक। क्लियर हो गया? सारी की सारी दूरी लास्ट पॉइंट प्रकाशीय केंद्र से नापी जाती, किसमें लेंस में, ठीक है। दर्पण में क्या पढ़ा था, सारी की सारी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। क्लियर होगा चिन्ह परिपाटी? अब एक हेडिंग और ले लेते हैं, इसमें पढ़ लेते हैं लेंस की क्षमता। अब एक वर्ड लिखता हूँ, ये P है,
क्या? पार्टी पढ़ी थी, उसमें मैंने एक पॉइंट बोला था कि सारी की सारी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से नापी जाएंगी, ये तो बोला था। तो प्रकाशीय केंद्र से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। दोबारा सुनो, प्रकाशीय केंद्र से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्लियर हो गया? लेकिन बुक में थोड़ी सी अलग दे रखी है, तो जैसे बुक में दे रखी है वैसे पढ़ लेते हैं। तो लेंसों की पहचान है, लेंस की पहचान दो प्रकार से कर सकते हैं। नंबर एक, स्पर्श करके। नंबर दो, प्रतिबिंब। नंबर दो, प्रतिबिंब देखकर। स्पर्श करके मतलब दोबारा स्पर्श करके मैं ये लिखेंगे, हेडिंग स्पर्श करके है कि जब लेंस को स्पर्श करने पर किनारे पहले स्पर्श हो तो आउटर लेंस, और यदि लेंस को स्पर्श करते समय उभरा हुआ तल पहले स्पर्श हो तो लेंस उत्तल होगा। क्लियर हो गया? नंबर दो, प्रतिबिंब देखकर।
प्रतिबिंब क्या है? हमने दर्पण पढ़ा था, अब दर्पण पूछते हैं दो मिनट के लिए। दर्पण में हमने पढ़ा था उत्तल दर्पण के लिए वस्तु कहीं पर भी हो प्रतिबिंब हमेशा फोकस तथा ध्रुव के बीच बना था, ठीक है। दूसरा, अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति बदलने पर प्रतिबिंब की स्थिति बदल रही थी, कभी अनंत पे कभी फोकस पे कभी ध्रुव तो फोकस के बीच, इस तरीके से। अब उसका उल्टा करो, अवतल दर्पण को इसे मान लो, सॉरी अवतल दर्पण को आप इसे मान लो, उत्तल दर्पण को आप इसे मान लो, ठीक है। तो जो मानेंगे तो क्या होगा, अब देखते हैं इसे क्या माना हमने, थोड़ी देर के लिए उत्तल दर्पण, इसे मान लिया हमने अवतल दर्पण, मान लिया। तो इसका जो प्रतिबिंब देखकर कैसे ग्रहण करेंगे, जब वस्तु की स्थिति बदलने पर प्रतिबिंब ना बदले तो लेंस उत्तल होगा, ठीक है। इसकी क्या हो गया, उल्टा करते हमने, जब वस्तु की स्थिति बदलने पर प्रतिबिंब की स्थिति बदल जाए तो लेंस उत्तल होगा, तब लेंस कौन सा होगा, उत्तर। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए, स्पर्श करके भी प्रतिबिंब देखकर भी। अब पढ़ रहे थे हम इनके उपयोग, ये उत्तर बताया था, ये भी उत्तर बताया था, ये उत्तर बताया था, चलो दोबारा रीडिंग कर देते हैं। तो देखो दोबारा, जब प्रतिबिंब की स्थिति बदल जाए, वस्तु की स्थिति बदलने पर, दोबारा सुनो, जब नीचे उधर भाई, जब वस्तु की स्थिति बदलने पर प्रतिबिंब की स्थिति बदल जाए तो लेंस उत्तल होगा, तब लेंस कौन सा होगा, उत्तल। जब वस्तु की स्थिति बदलने पर प्रतिबिंब की स्थिति बदल जाए तो उत्तल लेंस, अगर वस्तु की स्थिति बदलने पर प्रतिबिंब की स्थिति ना बदले तो लेंस अवतल होगा, क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे की तरफ, अब था हमारा लेंस के लेंस के दो उपयोग लिखने होते हैं, दो नंबर के आते हैं टेंथ क्लास में। तो पहला नहीं क्या हुआ, प्रकाश को फैलाने में, जैसे चित्र बनाया था मैंने, दो किरणें गुजर रही थी वो ऐसे जोड़ गई थी, तो इसका मतलब प्रकाश को फैला रहा है। तो पहला इसका उपयोग हो जाएगा अवतल लेंस का, कि प्रकाश को फैलाने में काम आता। पहला अवतल लेंस का निकट दृष्टि दोष के निवारण में, उत्तल लेंस कैसी निकट का है तो यह हो जाएगा दूर दृष्टि दोष के निवारण में, दूर दृष्टि दोष के निवारण में, ठीक है। अब अवतल लेंस क्या होता है, ये दोष होते हैं ये क्लियर कर लेंगे अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में। पहला अवतल लेंस, जब हमने शुरू में चित्र बनाया था तो मैं ये कह रहा था कि लेंस जो होता है
दो टॉर्च का प्रकाश डालो तो आगे जाकर फैल जाएगा। तो प्रकाश को फैलाने का काम कौन कर रहा है? अवतल है। इसमें लिखेंगे हम प्रकाश को फैलाने में। अब फैलाने कैसे? जैसे गलियों में टॉर्च लगानी, गली में तुम्हें बल्ब लगाना है तो प्रकाश को फैलाने की जरूरत पड़ेगी ना, तो इसीलिए सर्च लाइट में। ठीक है, अब ऐसी उत्तल लेंस का प्रयोग कि प्रकाश को फैला रहा है तो क्या करेगा? प्रकाश को केंद्रित करेगा, प्रकाश को केंद्रित करेगा। केंद्रित कर लेंगे। दोनों क्या हो गया? अवतल लेंस का प्रयोग प्रकाश को फैलाने में, निकट दृष्टि दोष के निवारण में। उत्तल लेंस प्रकाश को केंद्रित करने में, दूर दृष्टि दोष के निवारण में। एक और हेडिंग ले लेते हैं हम, रेखीय अवधन। रेखीय अवधन, ठीक है। रेखीय अवधन क्या होता है? एक फॉर्मूला लिखता हूं मैं, m बराबर y2 upon y1 बराबर में v upon u, या m बराबर v upon u। जब m बराबर इसके, ये बराबर इसके, तो इन दोनों को आपस में इक्वल लिख देंगे। ठीक है, ये जो m है यही रेखीय अवधन है, v है प्रतिबिंब की बनना है। फॉर्मूला से परिभाषा बना दी हूँ, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे हम m से दिखाते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे हम m से दिखाते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे हम m से दिखाते हैं। क्लियर हो गया? चलो अब मान लिया मैं ऐसे लिख दूं m बराबर y2 upon y1, तो ये y2 होगा का ये प्रतिबिंब की लंबाई का काम करेगा, जो y1 होगा ये वस्तु की लंबाई का काम करेगा। क्लियर? अब यदि हम थोड़ी सी दर्पण की बात कर रहे हैं, तो दर्पण में हमने लिखा था m बराबर माइनस में v अपॉन u, ये लिखा था। u ही फर्क है इसमें, इस पे क्या है यहाँ माइनस, लेंस में माइनस नहीं होता। दोनों में प्रश्न में आ गया। तो अब आते हैं कंडीशन इस चैप्टर में। डेरिवेशन करेंगे, सारे डेरिवेशन फिजिक्स के जितने भी हैं एक साथ, न्यूमेरिकल करेंगे चारों चैप्टरों के एक साथ, डेरिवेशन चारों चैप्टरों के एक साथ, और थ्योरी पहले खत्म कर लेते हैं फॉर्मूले। ठीक है, तो इस चैप्टर में थ्योरी बची है कंडीशन। कंडीशन क्या? अवतल लेंस, अवतल लेंस। अब अवतल लेंस में वस्तु कहीं पर भी हो, वस्तु कहीं पर भी हो, प्रतिबिंब हमेशा एक ही जगह बनेगा। कैसे बनेगा? बना लेते हैं पहले एक बार। ये बिंदु प्रकाश के केंद्र, एक रेखा मिलाती है, रेखा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण चली लेंस तक आ गई, अब लेंस से गुजर के ऐसे जाएगी, और अगर हम इसे थोड़े से ऐसे बढ़ाएं इधर की तरफ, तो ये ऐसे लगेगा कि फोकस से होकर आ रही है। ठीक है, एक किरण हमें ऐसे आ रही है।
ये दो किरण थी आगे जाके चौड़ी हुई प्रकाश फैल गया। अब क्या ये लेंस से गुजरने के बाद दोनों किरण आपस में कहीं मिली, चाहे वस्तु कहीं पर भी हो, ठीक है ये कंडीशन होगी। लेकिन जब हम इसे पीछे बढ़ा रहे थे फोकस पे जरूरी होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लेंस में आगे तो मिलने वाली है नहीं किरण, पीछे पीछे मिलेंगी। तो अवतल लेंस में चाहे वस्तु कहीं पर भी हो, प्रतिबिंब हमेशा प्रकाशीय केंद्र तथा फोकस के बीच बनेगा। कैसे बनेगा, दूसरे चित्र लेते हैं। ये प्रकाशीय केंद्र था, ये आपका फोकस हो गया, ये द्वितीय फोकस, ठीक है। अब हमने एक किरण तो गुजार दी मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे, तो ये किरण ऐसे जानता है और ऐसे प्रतीत होगा कि ये फोकस से आ रही है, ठीक है। दूसरी किरण गुजार दी हमने प्रकाशीय केंद्र से, चलेगी। अब ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहीं काट रही हैं क्या, नहीं काट रही, बल्कि इस वाली किरण को हम पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं, तो ये एक दूसरे को यहाँ पर काटती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है। तो जब ये दो दूसरे को यहाँ पर काट रही है, तो प्रतिबिंब आई आई डैश बन जाएगा, मान लिया वस्तु यहाँ पर कहानी। तो जब ये किरणें वास्तव में नहीं मिली, तो प्रतिबिंब कैसा बना, कैसा बना, आभासी। तो आभासी के साथ में क्या और चलता है, सीधा सीधा। इधर वस्तु थी, वस्तु की तरफ बन रहा है, तो वस्तु की ओर। अब जैसे जैसे चित्र बना, वो हमें देखना किसमें होता है, रचना में। किसमें देखना होता है, रचना में। देखने पर आवाज आ रही है, सुनिए अभी आवाज वाले सुनने चल रहा है, चल रहा है ना, ठीक है चल रहा है। अब देखो तो रचना क्या लिखेंगे हम, वस्तु माना ये अवतल लेंस है, ठीक है। अवतल लेंस यानी वस्तु ओ ओडेस से चलने वाली पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर लेंस से गुजरने के बाद फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। वस्तु से चलने वाली दूसरी किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है, लेंस से गुजरने के बाद अपने मार्ग पर सीधी चली जाती है। वस्तु से चलने वाली दोनों किरणें एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटती हैं। यदि पहली वाली किरण को पीछे की तरफ बढ़ाया जाए, तो ये दोनों एक दूसरे को प्रकाशीय केंद्र या प्रकाशीय केंद्र तथा फोकस के बीच काटती हुई प्रतीत होती है। अतः वस्तु ओ ओ डैश का प्रतिबिंब आई आई डैश वस्तु से छोटा सीधा आभासी वस्तु की ओर बनता है। क्लियर हो गया, अब चलते हैं। अब इसमें याद रह जाएगा वस्तु कहीं पर भी हो, प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा, इसमें फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच में, प्रकाशीय केंद्र के बीच, ठीक है। अब चलते हैं हम उत्तल लेंस की कंडीशन हो गया। उत्तल लेंस की कितनी कंडीशन है, छह कंडीशन। कितनी कंडीशन है, छह। पहला, जब वस्तु अनंत पर हो,
वो वस्तु रखी यहाँ पर अलग है। ओ ओडेस ठीक है, ओडेस ठीक है। अब वस्तु से यहाँ दिखाई देते हैं, मेरी मान लेते हैं वस्तु से चलने वाली पहली किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है। अब प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली किरण तो सीधी जाने वाली है ठीक है, वस्तु से चलने वाली दूसरी किरण फोकस से होकर जाती है। अब चिन्ह परिपाटी याद करो, ये प्रतिबिंब खींचने के नियम याद करो, सृष्टि परिपाटी क्या था ना, प्रतिबिंब खींचने के नियम, प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली किरण अपने मार्ग पर बिना विचलित हुए सीधी चली जाएगी। दूसरा, फोकस से होकर आने वाली किरण लेंस से गुजरने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। ये दोनों किरणें एक दूसरे को फोकस पर काट रही हैं, तो प्रतिबिंब जो बन रहा है आई आई डैश। अब देखो ये सारी जो कंडीशन हमने लिखी हैं, इसे लिखी है रचना में, इसे लिखी है रचना में, तो रचना क्या लिखेंगे? अगर हम मान ले M1 M2, माना M1 M2 एक उत्तल लेंस है ठीक है, माना M1 M2 एक उत्तल लेंस है, वस्तु से चलने वाली पहली किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है जो कि बिना विचलित हुए सीधी चली जाती है, वस्तु से चलने वाली दूसरी किरण फोकस से होकर जाती है, लेंस से गुजरने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को वास्तव में लेंस की दूसरी ओर फोकस पर काटती हैं, अतः वस्तु ओ ओ डैश का प्रतिबिंब आई आई डैश वस्तु से छोटा उल्टा वास्तविक बनता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन थी, वस्तु थी अनंत पर। नेक्स्ट कंडीशन नंबर तो क्या जाएगी आपकी, जब वस्तु 2f तथा अनंत के बीच हो, क्या जाएगी, नंबर दो कंडीशन, जब वस्तु अनंत तथा 2f के बीच हो ठीक है, लाइन लिखी थी तुम्हें, तो वस्तु से चलने वाली पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर लेंस से गुजरने के बाद फोकस से होकर जाएगी, वस्तु से चलने वाली दूसरी किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर जाएगी। अब प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली किरण बिना विचलित हुए सीधी चली जाएगी, सॉरी हाँ, वस्तु से चलने वाली पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर लेंस से गुजरने के बाद फोकस से होकर चली जाएगी, वस्तु से चलने वाली दूसरी किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर जाएगी तथा लेंस से गुजरने के बाद बिना विचलित हुए सीधी चली जाएगी। तो ये दोनों किरणें लेंस से गुजरने के बाद एक दूसरे को वास्तव में काटती हैं, अतः वस्तु ओ ओ डैश का प्रतिबिंब आई आई डैश लेंस के दूसरी ओर वस्तु से छोटा उल्टा वास्तविक बनता है ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन, नंबर तीन कंडीशन आई आपकी चित्र नौ, मुख्य अक्ष हो गया आपका प्रकाशीय केंद्र थी जब वस्तु अनंत थी, दूसरी कंडीशन जब अनंत तथा 2f के बीच थी, अब भी कंडीशन जब वस्तु 2f पर, तो वस्तु से चलने वाली सारी सिस्टम लिखना किसमें, रचना में जो बोल रहा हूं जैसे जैसे चित्र बन रहा है
वस्तु से चलने वाली दूसरी किरण प्रकाशी केंद्र से होकर जाएगी, प्रकाशी केंद्र से होकर जाने वाली किरण बिना विचलित हुए सीधी चली जाती है। दोबारा कर लेते हैं, तो पास ले लिया ये, ठीक है। अब ये दोनों किरण लेंस से गुजरने के बाद एक दूसरे को वास्तव में काट रही है, तो प्रतिबिंब भी वास्तविक बनेगा। अब दोबारा लिखे रचना में क्या लिखना आपको, ये दूरी थोड़ी सी आगे पीछे, जब आप माप बिल्कुल नाप के बनाओगे डिस्टेंस तो सही रहेगी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल होती हैं, तो फिर बनाने की प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो, माना ये M1 M2 एक उत्तल लेंस है, वस्तु से चलने वाली पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर लेंस से गुजरने के बाद फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। वस्तु से चलने वाली दूसरी किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर जाएगी तथा बिना विचलित हुए अपने मार्ग पर सीधी चल जाएगी। ये दोनों किरणें लेंस से गुजरने के बाद एक दूसरे को द्वितीय फोकस पर काटती हैं, अतः वस्तु ओ-ओ-डैश का प्रतिबिंब आई-आई-डैश वस्तु के बराबर उल्टा वास्तविक द्वितीय फोकस पर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन, तो चौथी कंडीशन क्या आपकी, चौथी कंडीशन है जब वस्तु 2F' पर स्थित होगी, चौथी वस्तु कंडीशन क्या आपकी, जब वस्तु 2F पर या 2F' पर स्थित होगी। चित्र बना लेते हैं, वस्तु कहां पर चौथी कंडीशन में, पहली कंडीशन देखो आपकी वस्तु कहां थी अनंत पर, दूसरी कंडीशन में वस्तु थी आपकी अनंत तथा 2f के बीच, तीसरी कंडीशन थी आपकी वस्तु 2f' पर थी, ठीक। अब चौथी कंडीशन में वस्तु आ जाएगी आपकी 2f' तथा f' के बीच, तो अब वस्तु लेंगे हम 2f तथा f' के बीच, वस्तु O O' वस्तु से चलने वाली पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर लेंस से गुजरने के बाद फोकस से होकर जाएगी, वस्तु से चलने वाली दूसरी किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने के बाद अपने मार्ग पर सीधी चली जाएगी, ठीक है। सीधी निगरानी भाई तिरछी हो गई है, वस्तु से चलने वाली दूसरी किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर जाएगी, ये फिर मिस्टेक हो गई, ठीक है। वस्तु से चलने वाली दूसरी किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर जाएगी तथा अपने मार्ग पर बिना विचलित हुए सीधी चली जाएगी, ठीक है। दोबारा सुनो, वस्तु से चलने वाली पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर लेंस से गुजरने के बाद फोकस से होकर चली जाएगी, वस्तु से चलने वाली दूसरी किरण लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर जाएगी तथा केंद्र से होकर गुजरने के बाद अपने मार्ग पर बिना विचलित हुए सीधी चली जाएगी, तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को अनंत तथा 2f के बीच का आई डेस। अब दोस्त, ये जो सारे कंडीशन हुई हैं
नेक्स्ट कंडीशन नंबर पांच। अब की बार वस्तु कहां जाएगी? एफ डैश पर, ठीक है। छठी कंडीशन आएगी आपकी, जो वस्तु होगी एफ डैश तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच। पांचवी कंडीशन है तो कहां रहेगी हमारी? एफ डैश पर। वस्तु एफ डैश पर, वस्तु हमारी ओ डैश। वस्तु से चलने वाली पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर लेंस से गुजरने के बाद फोकस से होकर जाएगी। वस्तु से चलने वाली दूसरी किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर अपने मार्ग पर बिना विचलित हुए सीधी चली जाएगी। अब जैसे जैसे चित्र बना सारी घटना लिखनी होती है हमें रचना में। क्या लिखेंगे? माना M1 M2 एक उत्तल लेंस है। वस्तु से चलने वाली पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर लेंस से गुजरने के बाद फोकस से होकर जाएगी। वस्तु से चलने वाली दूसरी किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर अपने मार्ग पर बिना विचलित हुए सीधी चली जाएगी। ये दोनों किरणें लेंस से गुजरने के बाद एक दूसरे को अनंत पर वास्तव में काटती हैं। अतः वस्तु ओ ओडेस का प्रतिबिंब आई आईडेस वस्तु से बड़ा उल्टा वास्तविक बनता है। एक ही कंडीशन ऐसी है थी जहां पर बराबर बना था, कौन सी थी वो? जो वस्तु टू एफ पर थी, जब वस्तु टू एफ पर थी तो वहां बनता वस्तु के बराबर प्रतिबिंब। उससे पहले कंडीशन में छोटा और टू एफ के बाद फिर बड़ा होता चला जाता, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन बार लास्ट कंडीशन है, तो वस्तु कहां पर है? एफ डैश तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच, यानी वस्तु आ गया यहां पर। सॉरी, तो वस्तु ओ ओडेस M1 M2 वस्तु से चलने वाली पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर लेंस से गुजरने के बाद फोकस से होकर जाएगी। वस्तु से चलने वाली दूसरी किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर जाएगी, अपने मार्ग पर बिना विचलित हुए सीधी चली जाएगी। ये दोनों किरणें लेंस से गुजरने के बाद एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटती हैं। काट रहे क्या? यहाँ डिस्टेंस कम, यहाँ और ज्यादा, आगे तक और ज्यादा तो नहीं काटने की। तो रचना में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अब यदि इस वाली किरण को मैं थोड़ा पीछे बढ़ाऊं, इसे पीछे बढ़ाऊं, तो ये प्रतिबिंब इधर बन जाएगा। आई आई एस, ठीक है। अब क्या लिखना चाहिए? माना M1 M2 एक उत्तल लेंस है। वस्तु से चलने वाली पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर लेंस से गुजरने के बाद फोकस से होकर जाएगी।
बाद एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटती हैं। यदि फोकस से होकर गुजरने वाली किरण को पीछे की तरफ बढ़ाया जाए, ठीक है, उपप्रकाशी केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण को पीछे की तरफ बढ़ाया जाए तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती हैं। अतः वस्तु ओ ओ डैश का प्रतिबिंब आई आई डैश कहाँ पे यार आई आई डैश वस्तु से बड़ा सीधा आभासी तथा वस्तु की ओर बनता है। छह की छह कंडीशन होगी। अब छह की छह कंडीशन को मैं छोटे से चित्र में रिवीजन कर देता हूँ। पहली कंडीशन वस्तु, इधर ले लेते हैं हम बिल्कुल जब वस्तु कहां पर थी, शुरू में लेते हैं हम अवतल, तो वस्तु कहीं पर भी हो, वस्तु कहीं पर भी हो, प्रतिबिंब हमेशा कहां बनेगा, प्रतिबिंब प्रतिबिंब हमेशा प्रकाशीय केंद्र तथा एफ डैश के बीच बनेगा। क्लियर हो गया? जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब बनेगा आपका फोकस पर। दूसरी, जब वस्तु अनंत तथा टू एफ डैश के बीच थी तो प्रतिबिंब बन रहा था आपका फोकस तथा द्वितीय फोकस। दूसरी कंडीशन क्या है, जब वस्तु अनंत तथा टू एफ के बीच है तो प्रतिबिंब बन जाएगा आपका एफ तथा टू एफ के। तो तीसरी कंडीशन क्या थी, वस्तु थी आपकी 2f पर, यानी 2f डैश पर, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा आपका 2f पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथी कंडीशन, अब वस्तु कहां की 2f डैश तथा f डैश के बीच में, तो प्रतिबिंब आपका बन जाएगा 2f तथा अनंत के बीच। ठीक है, पांचवी कंडीशन, वस्तु आ गया f डैश पर तो प्रतिबिंब बनेगा आपका अनंत पर। प्रतिबिंब कहां बनेगा आपका अनंत पर। अब वस्तु आ गया आपकी एफ डैश तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच, तब प्रतिबिंब कहां बनेगा आपका यानी
क्लियर हो गया। अब इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले लिख लेते हैं। चलो भाई, अब इस चैप्टर में प्रयोग होने वाले सारे फॉर्मूले लिख लेते हैं। डेरिवेशन सारे चारों चैप्टर के एक साथ करेंगे, न्यूमेरिकल चारों चैप्टर के एक साथ करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूले लिखते हैं, थ्योरी कंप्लीट। अब फॉर्मूले, एक सूत्र हमने जो यूज किया था इसमें m बराबर माइनस v अपॉन u, जहां v बराबर प्रतिबिंब की लंबाई, u दूसरा एक पढ़ा था हमने टेक्स्ट नंबर 4, पी बराबर 100/f। इसमें क्या था, जब f किसमें हो, सॉरी जब f सेंटीमीटर में हो तो 100/f, जब f किसमें हो मीटर में हो, यानी फोकस दूरी मीटर में हो तो p बराबर 1/f, जब सेंटीमीटर में हो तो p बराबर 100/f। ये फॉर्मूले पढ़े हमने इसमें। एक जो डेरिवेशन होगा जिसका, तो वो है 1/f बराबर 1/v + 1/u, जिसका डेरिवेशन है अभी, और एक डेरिवेशन है आपका उसको बताएंगे नेक्स्ट। एक डेरिवेशन है m बराबर v अपॉन u का, तो डेरिवेशन है एक ये है और एक आपका ये है, ये लेंस है और ये इसके लिए दर्पण के लिए, ठीक हो गया। अब इसमें क्या होता है, f होता है आपका फोकस दूरी, वस्तु की लंबाई। जब इस रेखीय आवर्धन की बात करेंगे तो ये v काम करेगा, सॉरी प्रतिबिंब की लंबाई का, और आपका u करेगा, यू करेगा आपका यू बराबर वस्तु की लंबाई। जब फॉर्मूला लगाएंगे 1/
जो कि हम चारों चैप्टरों के न्यूमेरिकल एक साथ करेंगे। डेरिवेशन बच्चे हैं आपके दो या तीन जो भी हैं, डेरिवेशन चारों चैप्टरों के एक साथ करेंगे, तो थ्योरी वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। तो ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अच्छा लगा हो तो भी लिखे कमेंट में, बुरा लगा हो तो भी लिखे कमेंट में, जहाँ गलती हो उसे भी लिखे कमेंट।